तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक ड्रिल मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पे आपको प्रोजेक्ट वगैरह की वीडियो मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, उसमें होल करने के लिए हमें जो कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है अगर हम किसी और चीज़ से होल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ड्रिल मशीन मंगवा दिया जाए, जिससे कि जो कि प्रोजेक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी मिल जाएगा टाइम टाइम पर, और फ्रेंड्स इससे हमारा काम काफ़ी जल्दी हो भी जाएगा। और उसी के लिए हमने ड्रिल मशीन को मंगवा दिया। तो अब चलिए हम उसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करती है और कैसे होल करती है। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, उसका प्राइस भी आपको पता चल जाएगा और उसकी टेस्टिंग भी हम आपको करके दिखा देंगे। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा जादुई डब्बा, जिसके अंदर जादुई हथियार रखा हुआ। तो इसको हमने एक बार खोल के देख लिया है कि हमारा इसके अंदर जो यंत्र है वो अच्छे से सही सलामत है या नहीं, इसलिए हमने एक बार खोल दिया था। हम आपको दूसरी बार इसको खोलकर दिखा रहे हैं। तो इसका देखिए कि जो कंपनी का नेम है चेस्टॉन आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके का बॉक्स जो अंदर का आता है, तो हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स आता है और जो रेड ऊपर दिख रहा है, पर रेड है नहीं, बस आपको ऊपर रेड दिख रहा होगा कि रेड कलर की ड्रिल मशीन है। तो इसका वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो 220 वोल्ट है, इनपुट पावर 400 वाट है, और देखिए यहाँ पे लोड स्पीड देखिए 2600 मिनट आरपीएम का है, मतलब कि एक बार में 2600 राउंड लेता है एक मिनट में। और यहाँ पे नीचे 10 mm का इसका ड्रिल चक साइज है। और देखिए इस तरीके से जो बॉक्स है, इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसके अंदर हमारा यंत्र जो निकलता है। तो सबसे पहले हम इसका यंत्र को चलाने का हथियार दिखाते हैं। तो इसका देखिए कुछ इस तरीके से इसका जो बीट है वो हमें मिली है, जो कि ड्रिल मशीन की। तो इस बीट से आप लकड़ी वगैरह हम छेद कर सकते हो। तो ये देखिए 13 बीट हमें दी हुई है। और यहाँ पे जो दीवार में हमें होल करने के लिए देखिए यहाँ पे 5 देखिए जगह दिया है, पर दिया है 3 है, क्योंकि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले। और देख सकते हो यहाँ पे 3 इस तरीके की है और देखिए 2 गायब कर दिया है। तो देखिए इसको हम साइड में रखते हैं। और फ्रेंड, हमने एक बार और मंगाया था, तो उस बार में जो पूरा जो बीट नहीं थी तो हमने उसको वापस कर दिया था। तो हमने इसको दूसरी बार मंगाया तो इसका कलर भी देखिए चेंज कर दिया है कुछ इस तरीके के, देखिए नीला यहाँ पे ड्रिल मशीन हमें दिया है। तो हम आपको पुराना वाला क्लिप भी शो कर देंगे अभी। तो दोस्तों, इसके पहले वाली जो ड्रिल मशीन दिया था वो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, पर उसमें जो बीट एक भी नहीं दिया था, तो इसलिए हमने उसको वापस कर दिया। और यहाँ देखिए 6 मंथ की आपको वारंटी भी इसके साथ मिल जाती है, जो कि इस पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। और आपको 7 डे के अंदर देखिए इसको रजिस्टर कर लेना है लिंक को, तभी ये जो कि वापस करेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से वाली मशीन दिया था। तो हम आपकी दूसरी भी आपको दिखा देते हैं कि वो किस तरीके की थी, और फ्रेंड उसमें बीट नहीं दिया था, तो हम उसका क्लिप आपको शो कर देते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो जो दूसरी वाली थी इस तरीके की, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मस्त आपको लग रही होगी, पर इसको हमने वापस कर दिया, ये गई। तो अब देखिए ये दूसरी वाली है। तो अगर आपको मंगवाना हो तो आप अमेजोन से मंगवाइएगा, फ्लिपकार्ट वाले सब काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं इस समय। देखिए कलर चेंज कर दिया है, तो फिर भी ये अच्छी है, हम आपको इसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करके दिखाएंगे, और इसका हम प्राइस भी आपको लास्ट में बता देंगे कितने प्राइस में पड़ी हुई है हमको। तो इसका देखिए जो वायर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, आपको भी दिख रहा होगा। तो अब हम इसमें बीट वगैरह लगाकर आपको दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ से देखिए जो चक है उसको आप इस तरीके से जब इसको घुमाओगे तो देखिए इस पर जो ड्रिल बीट है उसको आप लगा सकते हो इस तरीके से। देखिए इसका होल जो है ऊपर वाला देखिए खुल रहा है कुछ इस तरीके से। तो इसको देखिए इस तरीके से करने के बाद इसमें आप बीट को लगा सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें आपको रिवर्स फॉरवर्ड का भी सिस्टम मिल जाता है। तो देखिए इसको आप इस तरीके से करोगे तो देखिए रिवर्स चलेगी और इधर देखिए फॉरवर्ड चलेगी। तो इस तरीके से आप चला सकते हो। और यहाँ पे देखिए इसका स्पीड जो है, स्पीड इसकी कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखिए एक बटन टाइप का दिया हुआ है। इस तरीके से आप घुमाओगे तो इसकी स्पीड आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इस तरीके से इसका ट्रिगर है जो दबाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलती है। और इस तरीके से देखिए आप इसको लॉक कर सकते हो, बगल में जो आपको साइड वाली बटन दिख रही होगी इसको आप प्रेस करके उसी पर लॉक कर दोगे तो अपने आप चलती रहेगी उसी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स मशीन आपको दिख रही होगी। तो अब इसमें जो कि बीट लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो एक बीट हम यहाँ से लगा लेते हैं और आपको हम होल वगैरह भी करके दिखाएंगे कि कैसा इसकी पावर है, किस तरीके से वर्क करता है। तो इसको हम देखिए, आपको लगाना हो तो आप इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर इसको देखिए बीच में आपको सीधा इसको लगाना है और इस तरीके से करके जो इसका देखिए चक है उसको इस तरीके से आपको घुमाना है और अच्छे से इसमें देखिए अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो हम इसको फटाफट से देखिए अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से टाइट कर देना है और इसकी देखिए चाबी भी आपको मिलती है जिससे कि आप अच्छे से टाइट कर सको इसको। तो इस तरीके से देखिए आप इसको लगाएंगे यहाँ पे और इस तरीके से आपको अच्छे से देखिए टाइट कर देना है। तो दोस्तों, आप देखिए जो हमारा हथियार और लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब हम इसका आपको वर्क दिखाएंगे किस तरीके से इसकी पावर वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 इस तरीके की लकड़ी लिया है, जो कि एक थोड़ा सा हार्ड है और एक उससे हार्ड है, एक उससे हार्ड है इस तरीके से। तो हम देखिए सबसे जो हल्की वाली पहले उसको आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं।
तो इस तरीके से देखिए आप लगाएंगे मशीन को और तुरंत देखिए अच्छे से अभी देखिए छेद देगी। तो देख सकते हो इस तरीके से इसने होल को काफ़ी ज़्यादा आसानी से इस पर कर दिया है। और अब हम इसके बाद देखिए इस वाली को लगाते हैं जो कि इससे थोड़ा सा हार्ड है, और इसको लगाते हैं तो देखते हैं कितने समय में इसको अच्छे से होल कर पाती है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होल कर दिया है। और देखिए अब इससे भी थोड़ा हार्ड वाला लगाते हैं जो कि सबसे हार्ड है, देखिए प्लाई है, तो इससे हम होल करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो आप होल कर रही है और देखिए इसमें धुआं भी निकलने लगा है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। आप इसका RPM है 2600 RPM पे जो कि रन कर रही है इस समय, और देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसमें देखिए होल कर दिया है लगभग। अभी हम आपको दिखा देते हैं, तो देखिए गाइस इसने जो कि पूरा होल कर दिया है। और इसके बाद हम आपको देखिए सबसे हार्ड जो कि यहाँ पे एक ईंट लेकर आपको इसमें होल करके दिखाते हैं किस तरीके से ईंट में होल करती है। तो देखिए यहाँ से मशीन को स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंड आप देख सकते हो इसमें होल करना इसने शुरू कर दिया है, और देखिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथली इसमें होल कर रही है। तो देख सकते हो गाइस इसमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ईंट में होल कर दे रही है। तो एक हम आपको और होल करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छे से पता चल जाए किस तरीके से वर्क करती है। तो फ्रेंड देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे किस तरीके से वर्क कर देगी। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड आप इसको अगर परचेस करना हो तो अमेजोन से करिएगा। तो फ्रेंड इसका जो प्राइस है वो आपको 1500 रुपये पड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।